नीट पेपर कितना डिफिकल्ट होता है? नीट 2020, नीट 2021, नीट 2022। हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। लास्ट थ्री इयर्स के जो नीट पेपर है उनका एनालिसिस करने वाले हैं, डिफिकल्टी वाइज करने वाले हैं, चैप्टर वाइज करने वाले हैं, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए, कितने इजी डिफिकल्ट आए। चलो स्टार्ट करते हैं यार फटाक से। तो देखो सबसे पहले डिफिकल्टी एनालिसिस करते हैं ना, तो देखो 2020 को देखो है ना, देखो ग्रीन मतलब आसान, ग्रीन मतलब आसान, लाल मतलब खतरनाक, डिफिकल्ट वाला है ना, मॉडरेट मतलब बीच का। तो देखो यार इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखते हैं। तो अगर मैं 2020 का पेपर देखूं तो पूरा हरा हरा दिख रहा है ना, मतलब 62% ईजी रहा है यहाँ पे ना, मैक्सिमम ईजी पेपर था हमारा 2020 का, सिर्फ 5% डिफिकल्ट थे, बाकी 1/3 तुम्हारा मॉडरेट था। 2021 में देखो तो अच्छा खासा पोर्शन तुम्हारा डिफिकल्ट था, अराउंड 15% डिफिकल्ट था, ईजी बहुत कम था, बाकी मैक्सिमम तुम्हारा मॉडरेट था, मैक्सिमम पेपर मॉडरेट आया था। 2020 को देखेंगे तो ईजी पोर्शन लगभग 2020 जितना ही बराबर है, ईजी पोर्शन लगभग 2020 जितना ही बराबर है, पर जो तुम्हारा डिफिकल्टी वाला है वो हल्का सा बढ़ गया। मतलब जो 2022 का पेपर था हम बोल सकते हैं 2021 और 2020 के पेपर के कहीं ना कहीं बीच का था। तो इसका मतलब 2023 का पेपर कैसा आएगा? इससे क्या हम पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश करें? नहीं, ऐसा ना करें, ये मूर्खता कहलाती है। किसी भी ईयर का पेपर कैसा भी आ सकता है, असली तैयारी वो होती है जिसमें आपका जो रिजल्ट आएगा, आपका जो आउटकम आएगा एग्जाम में, वो इंडिपेंडेंट हो एग्जाम के। मतलब फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारी ट्रू प्रिपरेशन वही वह कही जाएगी कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा एग्जाम कैसा आया है, तुम्हारा एग्जाम इजी आया है या डिफिकल्ट आया है, तुम्हारा एग्जाम 2020 जैसा आया है, 2021 जैसा आया है, या फिर 2016 जैसा आया है, हर एग्जाम में अगर तुम परफॉर्म कर पा रहे हो तब तुम्हारी प्रिपरेशन कंप्लीट है। कुछ बच्चे ऐसे लगाते रहते हैं, इस तरह से करते रहते हैं, अच्छा इस बार का इजी था, फिर डिफिकल्ट, फिर इजी, फिर अगला वाला डिफिकल्ट, फिर इजी, और अजीब अजीब से पैटर्न बनाते रहते हैं। नहीं भाई, इस तरह से तैयारी नहीं करनी है, हमको इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि पेपर कैसा भी आए हम परफॉर्म करके आ पाए। चलो बात करते हैं, हमें इजी डिफिकल्ट वगैरह तो दिख गया, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आए थे वो भी देख लेते हैं। तो देखो, अच्छा उससे पहले मैं सेक्शन वाइज एनालिसिस कर देता हूं डिफिकल्टी का, है ना। तो जैसे 2020 में सिर्फ एक ही पेपर होता था 45 क्वेश्चन, अब 2021 और 2022 की बात करें हम, तो यहाँ पे हमारे सेक्शन ए और सेक्शन बी आते हैं। तो देखो 2021 में बात करूँ, पहले मैं सेक्शन ए को कंपेयर कर देता हूँ, तो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, वो पूरे के पूरे 35 करने होते हैं उसमें से, है ना। तो 2021 में लास्ट ईयर में एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था सेक्शन ए में, अराउंड 1/3 क्वेश्चन तुम्हारे ईजी थे, 2/3 क्वेश्चन तुम्हारे मॉडरेट लेवल के थे। इस बार देखेंगे तो बस एक क्वेश्चन आ गया था तुम्हारा डिफिकल्ट 2020 में सेक्शन ए में, ठीक है, बाकी इजी क्वेश्चन ज्यादा थे इस बार, है ना, इजी क्वेश्चन बहुत सारे थे सेक्शन ए के, मतलब क्वेश्चन सीधे थे, तुम्हें पेन नहीं उठाना था, तुम्हें पढ़ना था, मार्क करना था, मतलब बायो की तरह सॉल्व हो रहे थे, क्वेश्चन पढ़ा मार्क करो, क्वेश्चन पढ़ा मार्क करो। मतलब जिसने मल्टीपल रिवीजन कर रखे हैं, जिसने कॉन्सेप्चुअल वे में पहली बार फिजिक्स पढ़ी उसका मल्टीपल रिवीजन करें, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने ही होने थे, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन बी में ना, तो सेक्शन बी में तुम्हारे 15 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से तुम्हें 10 क्वेश्चन करने होते हैं मात्र, ठीक है, तो मतलब 5 क्वेश्चन तुम छोड़ सकते हो। तो 2021 की बात करें तो सेक्शन बी में एक भी इजी क्वेश्चन नहीं था, अराउंड 50% डिफिकल्ट है, अराउंड 50% तुम्हारे मॉडरेट क्वेश्चन थे, है ना। पर इस बार हम देखेंगे तो मॉडरेट क्वेश्चन तो अराउंड 50% ही थे, पर बताओ 1/3 क्वेश्चन इजी आ गए, मतलब जो बहुत फायदा मिल गया, सिर्फ 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, 20% सिर्फ 3 क्वेश्चन तुम्हारे डिफिकल्ट आए थे, और 5 क्वेश्चन तो तुमको छोड़ने थे, तो मतलब उन 5 में से 3 तो ये हो गए, 2 तुम्हारे मॉडरेट वाले हो गए। यही रीजन है कि मतलब कई बच्चे इस बार 180 आउट ऑफ 180 लेके आएंगे, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स 180 आउट ऑफ 180 लेके आ रहे हैं, और कई स्टूडेंट्स 170 प्लस लेके आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर वाइज बात करते हैं ना, चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे वो एनालिसिस भी अपन फटाक से कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे अपन देख पा रहे हैं मैकेनिक्स की बात करें अपन, है ना, अगर अपन मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स ब्लैक दिख रहा है, तो देखो 2020 में अराउंड 22% क्वेश्चन थे 2020 में, फिर 2021 में 29% क्वेश्चन आए, और अब 32% आए, तो हल्का हल्का सा थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ गया। तो अगले साल और ज्यादा बढ़ जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तुम देखोगे ना, अगर इस इन तीन चार्ट को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें देखा लगभग बराबर प्रोपोर्शन ही रहता है, हर बार हल्का फुल्का कम ज्यादा होता है, एक बार बस कलर्स को देखो तुम तो, हल्का फुल्का बड़ा छोटा कम ज्यादा होता हो दिखेगा, बट लगभग हर साल बराबर ही रहता है ना। तो ठीक है यार, मतलब ठीक है, ऑलमोस्ट उतना ही सेक्शन आता है ना, ठीक है। अब देखो दो सबसे बड़े होते हैं अपने, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये है देखो ना, तो 2020 में अराउंड 30% था, पिछले साल अराउंड 40% हुआ, और इस साल भी हमारा अराउंड 30% हो गया ना, मतलब लगभग उतना ही आता है। अगर तुम बाकी के चैप्टर देखोगे, रेड कलर से हमारी थर्मल फिजिक्स है, तो 2020 में थोड़ी ज्यादा आ गई थी 11%, फिर बाकी इस साल भी 4% है, पिछले साल भी हमारी 4% थी। तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, बाकी ये चीजें, ये पूरा चार्ट वगैरह मैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, ताकि तुम आराम से एनालिसिस कर सको ना, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसकी लिंक, है ना। SHM वेव की बात करें तो देखो यार, SHM वेव ग्रीन कलर से दिख रहा है अपने यहाँ पे ना, ठीक है, तो इस साल 4% था,
पिछले साल भी लगभग 4% ही था और इससे पहले भी 4% था। मतलब यार वेटेज लगभग इतना ही होता है ना। ठीक है, ऑप्टिक्स की बात करें तो देखो 2020 में 9% था, इस साल 8%, मतलब पिछले साल 8% और इस साल भी 8%। मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो देखो उसका भी लगभग बराबरी चल रहा है ना। तो जैसे तुम्हारा 2020 था, 2020 में मॉडर्न फिजिक्स सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से तुम्हारे 25% क्वेश्चन थे, ठीक है, 1/4, जो कि अच्छा खासा रहा है ना। इस बार देखो पिछले साल 16% थे, इस बार अराउंड 22%, तो हल्का फुल्का कम ज्यादा होता रहता है। तो देखो अगर तुम इस तरह का कोई भी प्रेडिक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, इस बार कहां से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, कम आएंगे, यूट्यूब पे ऐसे बॉडी बहुत से भाई वीडियोस वगैरह भी बनते हैं, ये प्योरली समय की बर्बादी है ना। ठीक है, तुम्हारा काम होना चाहिए पढ़ाई करना। अब कोई बच्चा कहेगा, देखो कोई अगर नया बच्चा होगा जिसको बिल्कुल भी नहीं पता फिजिक्स वगैरह के बारे में, वो कहेगा सर मतलब मैकेनिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, तो मतलब ये तैयार कर लेता हूँ। हाँ भाई तैयार तो कर, पर ये ध्यान रख ये सबसे बड़े टॉपिक भी होते हैं। मैकेनिक्स इज लाइक 60% सिलेबस ऑफ क्लास 11th फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इज लाइक 60% सिलेबस ऑफ क्लास 12th फिजिक्स। तो भाई सबसे बड़ा पोर्शन है तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। अगर तुम ऐसे इंपॉर्टेंट वाइज देखना चाहो तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत प्यारी चीज है, अराउंड तुम्हारी 10 दिन में पूरी ढंग से तैयार हो जाती है। फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत सारा पोर्शन तुम्हारा कॉमन है और तुम देखोगे तो अच्छा खासा वेटेज होल्ड करती है ना, अराउंड 20-25% वेटेज होल्ड करती है और सिर्फ 10 दिन में तुम्हारी तैयार हो जाती है और दो सब्जेक्ट तैयार होते हैं एक साथ, है ना। ठीक है चलो, इसके बाद में बताया तुम्हें यह भी बताता हूं किस चैप्टर में से कितने डिफिकल्ट इजी क्वेश्चन आए हुए थे ना। तो ये 2020 वाला पोस्टर है, इसका तो तुम बताए स्क्रीनशॉट ले लो, खुद से एनालिसिस कर सकते हो, बाकी मैं इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा ये वाली चीज़ है ना, ताकि तुम अच्छे से देख सको, है ना। आगे का 2021 और 2022 को बताने से पहले मैं बता देता हूँ, जो बच्चे नीट 2023 के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, मेरा नया बैच आ रहा है अकेडमी पे कोटा के सारे टॉप टीचर्स के साथ, है ना, 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और अभी एक ऑफर चल रहा है जिसके कारण तुम्हें फिजिक्स लाइव कोड यूज करने पे 20% ऑफ मिलेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तुम इस पर मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज्यादा डिटेल के लिए, ना बाकी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें डिटेल में मैंने बहुत कुछ बता रखा है, उसकी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हें इस बैच का पूरा डिटेल्ड स्टडी प्लान पता चल जाएगा साल का। ये वही बैच है जिसमें से इस साल बच्चे हम 2022 में जो अभी बच्चों से बात करिए कुछ बच्चे 700+ भी स्कोर कर रहे हैं ना। चलो आ जाओ, ये मेरा प्रायोरिटी ग्रुप है, ये मेरा रेफरल कोड है, अगर फिजिक्स लाइव कोड यूज करके तुम अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम्हें एक तो 20% ऑफ मिलेगा, साथ में तुम्हारी पूरी की पूरी प्रिपरेशन मेरे पर्सनल गाइडेंस में होगी ना। फिजिक्सहोलिक्स में मेरे साथ 9 फिजिक्स टीचर्स हैं, वो तुम्हारे सुबह से लेकर रात तक डाउट रहते हैं, सुबह 8 बजे से हम डाउट चालू करते हैं अपने ग्रुप में, रात के 12:30 बजे। केमिस्ट्री के भी डाउट होते हैं, मेंटरशिप सेशन होते हैं, ऑडियो कॉल पे तुम डिस्कस कर सकते हो, मैं भी आऊंगा कई बार ऑडियो कॉल पे, मेरे टीचर्स भी रहेंगे, तुम उनसे भी अपने जो भी क्वेरीज है उनको डिस्कस कर सकते हो, मतलब फिजिक्स के डाउट्स के अलावा तुम्हारी जो भी क्वेरी है, कंफ्यूजन है, वो सारी चीजें भी क्लैरिफाई कर सकते हो, हर रोज ये सेशन होते हैं, इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आते हैं अपने एनालिसिस पे वापस आते हैं, तो 2021 का सेक्शन ए का एनालिसिस है ना। ठीक है, एक काम करो, इसको तुम बताए खुद से बहुत अच्छे से देख सकते हो आराम से ना, क्योंकि जो मेन एनालिसिस वाला पार्ट था वो मैंने तुम्हें बता दिया है, मैं तुम्हें 2022 का बताता हूँ ना, इसको तुम देख लो, ये बाकी तुम्हें मिल जाएगा, ये सारे मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ, है ना। ठीक है, 2022 का देखते हैं आज, है ना। तो देखो सेक्शन ए में देखते हैं ना, तो देखो अपने अगर मैं बात करूं सेक्शन ए में डिफिकल्ट क्वेश्चन तो ज्यादा थे ही नहीं, मैंने कहा था सिर्फ एक क्वेश्चन डिफिकल्ट था, वो तुम्हारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आया हुआ था, और कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन था ही नहीं यहाँ पे, है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आते हैं, तो देखो मैकेनिक्स से देखो तो 9 क्वेश्चन तुम्हारे इजी थे, मीडियम 3, डिफिकल्ट एक भी नहीं था ना, हीट से बस एक ही क्वेश्चन था, एसएचएम से भी एक क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से भी ज्यादा थे, है ना, इजी 5 थे, मीडियम 3 और डिफिकल्ट एक, है ना। उसी तरह से मॉडर्न और ये बहुत बड़ा प्यारा होता है, मॉडर्न फिजिक्स हमारी बड़ी प्यारी है ना, मतलब बहुत कम टाइम में तैयार हो जाती है, और देखो 6 क्वेश्चन इजी, 3 क्वेश्चन तुम्हारे मॉडरेट लेवल पे है। एक चीज और बता दो, यूनिट्स एंड डायमेंशन पहला चैप्टर होता है, उससे भी भर भर के क्वेश्चन आए थे, इस बार भर भर के क्वेश्चन थे यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर से, वो भी 10 दिन में पूरा तैयार हो जाता है, 11 का पहला चैप्टर होता है और अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं हर साल। तो ये पूरा एनालिसिस था तुम्हारा। तो सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, 24 क्वेश्चन ईजी थे, 10 क्वेश्चन मीडियम थे, एक क्वेश्चन बस डिफिकल्ट कहा जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन बी पे, है ना। तो देखो ओवरऑल ये है, 15 में से 5 क्वेश्चन ईजी थे, 7 क्वेश्चन मीडियम थे, 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, 10 क्वेश्चन करने थे, 3 डिफिकल्ट छोड़े, 2 मॉडरेट वाले छोड़े, तो 5 इजी और 5 मॉडरेट करने थे। इसीलिए मैं बताया कई स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेंगे, देखना इस बार फिजिक्स में हमारे भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, कई और भी करेंगे यार, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी वो करेगा स्कोर। तो देखो मैकेनिक्स से 2 इजी थे, मैकेनिक्स से 1 डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट आए थे, है ना, एक बीट स्टोन वाला बड़ा खतरनाक क्वेश्चन था ना, वो एग्जाम में करना हर एक के लिए पॉसिबल ही नहीं है, तो बेटर था कि उस क्वेश्चन को छोड़ो, क्योंकि पास तो अपन छोड़ ही सकते हैं ना। बाकी इसका मैंने डिटेल्ड एनालिसिस करके बना रखा है ना, पूरा डिटेल सॉल्यूशन बना दिया उस क्वेश्चन का, है ना। ठीक है, तो एसएचएम से बस एक तुम्हारा मॉडरेट क्वेश्चन था, हीट से भी एक ही क्वेश्चन था मॉडरेट लेवल पे, ऑप्टिक्स से एक ही था मॉडरेट लेवल का, मॉडर्न से यहाँ पे एक ईजी और एक मॉडरेट लेवल पे आया था, डिफिकल्ट पे ज़्यादा कुछ बनता नहीं है मॉडर्न से, ना ये एनालिसिस था तुम्हारा, है ना। ठीक है, इसके बाद जो भी बच्चा अगर कोई बच्चा मुझसे अनअकैडमी पर पढ़ना चाहता है
तो मेरा बैच ज्वाइन कर सकता है अपना, है ना। और देखो ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज़ करके तुम मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई क्वेरी है तो सीधा मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो। और ये मेरे मैनेजर के नंबर है, तुम इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हो और अपनी क्वेरी क्लेरिफाई कर सकते हो। बाकी अनअकैडमी पे मैं बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ, हर रोज होती है मेरी एक फ्री लाइव क्लास जहाँ पे तुम आके मुझसे वॉइस कॉल पे बात कर सकते हो अनअकैडमी के रिजल्ट फीचर के साथ, है ना। ठीक है, मुझे अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन अच्छे से चेक कर लेना, बहुत सारी काम की चीज़ें मिलेंगी उसमें, है ना। ठीक है, बाकी अनअकैडमी पे जाओगे तो यू विल फाइंड मी ऑन द टॉप एंड यू कैन फॉलो मी। ठीक है गाइस, मतलब बाय बाय। बाकी जो बच्चे इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देखेंगे फ्यूचर में, तो उस समय कौन से मेरे लेटेस्ट बैचेस चल रहे हैं, यूट्यूब पे भी मेरी बहुत सारी फ्री सीरीज चलती हैं, अनअकैडमी पे भी चलती हैं, और साथ में बहुत सारी अनअकैडमी की फ्री लाइव क्लासेस में भी बहुत सारी सीरीज चलती हैं, तो उस समय जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। चलो बाय गाइस, सी यू। वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, है ना, वो तुम खुद से कर लोगे।